नमस्कार, वेलकम टू चाची की रसोई। आज हम आपको बताएंगे मोस्ट पॉपुलर रेसिपी छोले भटूरे। इस रेसिपी की जो टिप्स आपको मैं बताऊंगी, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही फूले फूले भटूरे बनेंगे और छोले भी बहुत टेस्टी बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं छोले भटूरे बनाना। भटूरा बनाने के लिए सबसे फर्स्ट हम डो तैयार करेंगे। उसके लिए लिया हमने 250 ग्राम मैदा और ये 50 ग्राम सूजी ली है, और ये लिया हमने एक कटोरी दही, ये नमक, ये चीनी एक चम्मच, और ये बेकिंग पाउडर, और ये लिया हमने 2 चम्मच तेल, और ये गुनगुना पानी जो इसको आटा लगाने में काम आएगा। तो आइए अब हम आपको आटा लगाना बताते हैं। ये हमने मैदा ले ली। अब हम इस मैदा में सूजी भी हम मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें बीच में एक जगह बनाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और 1 चम्मच नमक, और ये बेकिंग सोडा, और ये दही, ये ऑयल 2 चम्मच। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये दही हमने बचाया था, ये भी हम इसमें पूरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और हल्के हाथों से इसको आटे को मारेंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे और नरम आटा इसको तैयार कर लेंगे। आटा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, यहीं से अच्छे भटूरे बनने की ट्रिक चालू होती है। अगर हमारा आटा अच्छा लगेगा तो भटूरे भी बहुत सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल लगाएंगे, अच्छे से हमने तेल लगा दिया है। देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। जब तक हमारा भटूरे का आटा सेट होता है तब तक हम छोले बना लेते हैं। उसके लिए लिए हमने छोले उबाल लिए हैं और 5-6 घंटे के लिए हमने भिगोए थे इनको, और हमने उबाल लिया है इनको 5-6 सीटी लगाकर। इस तरीके के सॉफ्ट हो गए हैं ये, देखिए आप देख सकते हैं। अब हम आगे की सामग्री आपको बताते हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स हमने इकट्ठा कर लिए हैं। अब हम पैन को गर्म करेंगे और तड़का लगाएंगे। गैस ऑन करते हैं। इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच ऑयल, 2 बड़े चम्मच। गैस को कम कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 1 कुछ लौंग, ये हमने साबुत ही ऐड करी है इसमें। ये कुछ कूटे हुए गरम मसाले हैं, इसमें बड़ी इलायची है और काली मिर्च है, और हम इसको इसमें ऐड करेंगे। जीरे को तड़कने देंगे। जीरा तड़कने लगा है, अब इसमें हम लाल मिर्च भी डाल देंगे और ये हरी मिर्च भी। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। अच्छे से हमें इन्हें ब्राउन होने तक भूनना है। गैस का फ्लेम हाई रखना है।
देखिए प्याज ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इसमें अदरक और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे और 2 मिनट तक इसको भी पकने देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, 2 चम्मच आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये 2 चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जो हमने 5 बड़े टमाटर हमने पीस के रख लिए हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे और 2 मिनट तक ढककर पकने देंगे। ये थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम, और 2 मिनट तक इसको ढककर पकाएंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बाकी बचे सभी मसाले इसमें हम मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, ये डालेंगे हम जीरा पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। अब हमने 1/2 छोले हमने मैश कर लिए हैं, उनको भी हम मिला देंगे। बाकी छोले इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे सबको। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, हम इसमें इमली ऐड नहीं कर रहे हैं, आमचूर ले रहे हैं। थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड करेंगे और 2 मिनट तक ढक कर पकाएंगे ताकि सारे मसालों का जो टेस्ट है वो उसमें आ जाए, सभी फ्लेवर आ जाए। तब हम ढक कर उसको 2 मिनट के लिए पकने दें। जब तक हमारे मसाले रेडी होते हैं तब तक हम भटूरे के तलने की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है और इसको अच्छे से तेज़ गरम करेंगे। हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे और इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। इसके लिए लेंगे हम हाथों में तेल लगाएंगे और छोटा छोटा बाउल्स बनाएंगे इस तरीके से। अब हम इसको बेलन की सहायता से गोल गोल बेल लेंगे। आप इसको ऑल शेप में बेल सकते हैं, गोल भी बेल सकते हैं, हल्के हल्के हाथ से आपको इसको बेलना है। इस तरीके से हमारा तेल गर्म हो चुका है, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें धीरे से डालेंगे और भटूरे को दबा के रखेंगे। थोड़ा सा प्रेशर करेंगे और
पलट देंगे। देखिए भटूरा तैयार हो गया है और इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा भटूरा भी तैयार करेंगे। दूसरा भटूरा भी हम इसी तरीके से बेल लेंगे हल्के हल्के हाथों से। ये तैयार हो गया है। गैस को हम हाई फ्लेम करेंगे। अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे तो आपका भटूरा नहीं फूलेगा, इसलिए आपको फ्लेम को तेज करना पड़ेगा और थोड़ा दबा के रखना है भटूरे को। देखिए ये फूल चुका है और फौरन पलट देंगे। इस तरीके से भटूरे तैयार हो जाएंगे। अब हम छोले को चेक करते हैं। देखिए छोले भी रेडी हो गए हैं। देखिए अब हम इसको सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं। बहुत ही सुंदर कलर है छोले का। ये हमारे छोले भटूरे रेडी हो चुके हैं। आप खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।